दोस्तों महेश्वर रसोई में आज हम देखेंगे बहुत ही झटपट गर्मियों में परफेक्ट नान बनाने का एक नायाब तरीका, जिससे आप एक ही बारी में बहुत सारी नान झटपट बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि लुक के साथ या टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और उसके साथ ही बनाएंगे एकदम ढाबा स्टाइल बहुत ही टेस्टी मखनी दाल। कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया ही है, तरीका बहुत ही शानदार है। इस टफ नान के साथ में मखनी दाल बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बनाने वाले हैं एकदम ढाबा स्टाइल मखनी उड़द। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं एक कप जितने होल उड़द, यानी कि साबुत वाले जो काले उड़द आते हैं ना, वो वाले उड़द ले लिए हैं। और इसे पूरी रात के लिए मैंने भिगो दिया था। भिगने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हैं, बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर के लिए। मैंने इसमें डाला है 1/4 कप जितना राजमा। अगर आप राजमा नहीं डालना चाहते या भिगोना भूल गए हैं, तो इसकी जगह आप चने की दाल भी ले सकते हैं। 1 कप आपको उड़द लेने हैं और उस रेशियो से 1/4 कप आपको राजमा लेना है। राजमे को भी मैंने पूरी रात भिगो दिया था। ये दोनों ही चीज़ें थोड़ा देर से पकती हैं, तो इसके लिए हम इसे कर लेते हैं प्रेशर कुक। तो बस दोनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल दिया है, और इससे पहले आप 2-3 पानी से बढ़िया सा इसे वॉश कर लें। इसके अंदर हम 2 पोटली डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और कलर दोनों ही शानदार हो जाएगा। तो पहली पोटली है हमारी, ये मैंने लिया है चाय की पत्ती 1 टीस्पून जितनी, वो डाल दी। आप चाहें तो इसकी जगह आंवले का पाउडर भी डाल सकते हैं, बढ़िया कलर करता है। और आप चाहें तो टी बैग डाल सकते हैं। और उसके बाद दूसरी पोटली के लिए 4-5 लौंग ले लिए हैं, 5-6 काली मिर्चें, 1 बड़ा सा टुकड़ा जावित्री का लिया है, और 1 छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया है दालचीनी। और ये लिए मैंने बड़ी इलायची, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। लेकिन आप छोटी इलायची इसमें बिल्कुल भी ना डालें, यानी हरी वाली इलायची ना डालें। थोड़ी सी कलियां लहसुन की, 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और 1 टीस्पून जितना होल धनिया। और इसकी पोटली बनाने से पहले फ्रेंड्स, हम इसे हल्का सा कूट लेंगे। तो कूटने के लिए मैंने इसे खलबत्ते में डाल दिया है, और हल्का हल्का सा हम इसे कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको पाउडर नहीं बनाना है। और ये देखिए हल्का सा दरदरा हो गया है, तो बस ये पोटली भी बना ली और ये भी डाल दी। अब आ रही है नमक डालने की, तो 1/2 टीस्पून जितना नमक डाला, 1 टीस्पून जितना देसी घी, और थोड़ा सा देसी घी आप इस तरीके से इस जगह अप्लाई कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, कई बार होता है ना कि दाल उफन कर बाहर आ जाती है, अब वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और उसके साथ ही हमने इसमें करीब 3 कप जितना पानी डाल दिया है। और अब आ रही है इसे पकाने की। पकाने के लिए पहले आप इस पर हाई फ्लेम पर 4 सीटी आने दें, और उसके बाद एकदम स्लो गैस पर आप इसे 10 मिनट और पकने दें। एकदम परफेक्ट पककर तैयार हो जाएंगे। और जितने ये पकते हैं, उतने ही हम करते हैं नान की तैयारी। तो उसके लिए 1 कप जितना नॉर्मल दही ले लिया, दही में डाला 1/2 चम्मच जितना नमक, और नमक के साथ ही 1 टीस्पून जितनी चीनी। फ्रेंड्स से इसे मीठा नहीं करना है। और 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, और फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून आपको लेना है बेकिंग सोडा। और उसके बाद डाला 2 टेबलस्पून जितना नॉर्मल कुकिंग ऑयल। बढ़िया टेस्ट के लिए और एक बढ़िया से टेक्सचर के लिए हम इसमें डालेंगे 4 टीस्पून जितना पाउडर मिल्क। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, तो उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊँगी। बस अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के जस्ट नाउ आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे से बबल्स आने लगे हैं। तो 2 से 3 मिनट आप ऐसे ही रहने दें, और 2-3 मिनट में आप देखेंगे सब चीज़ें बढ़िया से एक्टिव हो गई हैं, बड़े बड़े बबल्स आ गए हैं। तो चलिए नान बनाने के लिए आटा ले लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून नॉर्मल गेहूं का आटा लिया, 1/2 कप जितनी मैदा ले लिया। आप चाहें तो पूरी तरीके से मैदा से भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा अगर आप इसमें आटा और मैदा मिला के बनाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा और टेस्ट से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बस इन दोनों चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स कर लिया, और अब बीच में एक थोड़ा सा होल सा कर लेते हैं। और आप देखिए ये बहुत ही बढ़िया एक्टिव हो चुका है। अब जो बीच में होल किया था, उसमें हम ये दही वाला मिक्सचर डाल देंगे, और इसकी वजह से हमारी जो नान बनेंगी ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली हैं। छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन आपकी नान में अब से पहले आपने जितनी बार भी बनाई होंगी, उससे बढ़िया टेस्ट आपको अब की बार मिलने वाला है। तो उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ हम इसका एकदम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे, जिसे नॉर्मली फुलकों के लिए लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा और सॉफ्ट डो रखेंगे। इसमें फ्रेंड्स हमने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा डाला है। तो आपको लगेगा थोड़ा सा स्टिक हो रहा है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसे अच्छे से इस तरीके से पटक पटक के मसल लें, जिससे इसमें हमने जो आटा लगाया है
उसका ग्लूटेन एक्टिव हो जाएगा और हमारा डो एकदम परफेक्ट लगकर तैयार होगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाएं, अच्छे से मसलते जाएं। करीब 3 मिनट आपको आटे को तैयार करने में लग जाएंगे। उसके बाद हाथों को चिकना कर लें और एक साफ सूती कपड़े को अच्छे से गीला करें, निचोड़ लें और उसके बाद कवर करके 15-20 मिनट के लिए एक साइड से रख दें। और जितने फ्रेंड्स आटा लगाया है उतने ही हमारे ये जो उड़द और राजमा पक रहे थे ये भी पककर तैयार है। और आप देख सकते हैं ढक्कन एकदम नीट क्लीन है, प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुका है। तो चलिए अब इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए उड़द और राजमा बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हैं। राजमा भी अच्छे से फट गया फ्रेंड्स। छोले, राजमा, मटर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर आपने पकी अच्छी नहीं है तो आप उसमें कुछ भी डाल लें, टेस्ट बढ़िया नहीं करेंगी। तो बस पका जरूर अच्छे से लें। तो उसके बाद मैंने पानी ले लिया है, ये दोनों पोटली डाल देते हैं क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारा रंग और बहुत सारा टेस्ट बाकी है। तो बस अच्छे से इस तरीके से मैंने इसे निचोड़ लिया जिससे बढ़िया सा इसका कलर भी आ गया है और जो भी अरोमा था वो भी आ गया है। बस अब इसे मिक्स कर लिया और अब आ रही है फ्रेंड्स इसे ढाबा स्टाइल बनाने की, यानी कि तड़का लगाने की। तो तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वही अपने प्याज ले लिए, टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्च और लहसुन लिया है, 2 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, 5-6 कलियाँ लहसुन की और हरी मिर्च हैं। टमाटर को मैंने मिक्सी में डालकर प्योरी बना लिया है और उसके बाद गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी। फ्रेंड्स हम बना रहे हैं मखनी उड़द तो बटर तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो मैंने करीब 50 ग्राम जितना बटर लिया, बटर को हल्का सा गर्म किया, उसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून जितना जीरा। फ्लेम को आपको एकदम स्लो रखना है, अगर हाई फ्लेम किया तो बटर का घी बन जाएगा। हींग डाली, 5-6 कलियाँ लहसुन की डाल दी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट करती हैं। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची डाल दी। सब चीज़ों का कच्चापन अच्छे से दूर कर लेते हैं। ढाबा स्टाइल जब रेसिपी बनाते हैं ना तो मेन चीज़ होती है भुनाई, भुनाई बढ़िया सा कर लें। और उसके बाद डाल दिया प्याज जिसे हमने एकदम छोटा छोटा कट करके रखा है, या आप चॉपर में चला सकते हैं, बस मिक्सी में ना चलाएं। और मैंने कहा ना ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो बस भुनाई पर ध्यान रखें, बढ़िया सा इसे भुनें। और उसके साथ ही हम मसाले डाल देंगे। तो 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने लिया है कच्चे जीरे का पाउडर, इससे बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून जितनी नॉर्मल लाल मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्चें, इनसे कलर बढ़िया आएगा। फ्रेंड्स आप इसमें हल्दी ना डालें। और ये लिया मैंने सौंठ का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर, बहुत ही बढ़िया आपको इससे टेस्ट मिलेगा। और अब मसालों को भी प्याज के साथ में भून लेते हैं जब तक आपको प्याज दरदरी सी ना लगने लगे और जो हमने इसमें बटर डाला है ना अच्छे से रिलीज ना हो जाए जब तक आप मसाले को भूनें। और जब मसाला बढ़िया भुन जाए आप उसमें डाल दीजिए वो टमाटर की प्यूरी जिसे हमने मिक्सी में बना कर रखा था। और अब फिर से हम इसकी बढ़िया सी भुनाई करते हैं। भुनाई करने में आपको करीब 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा और 8-10 मिनट बाद आप देखेंगे कि जो हमने इसमें बटर डाला था वो रिलीज़ हो गया है। तो बस उसी समय आप ये उबले हुए राजमा और उड़द डाल दीजिए। फ्रेंड बनाना बहुत आसान है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेंगे। और बस अब डाला पानी। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो दाल बुखारा होती है ना वैसा टेस्ट करे, यानी कि और उसे एकदम अलग टेस्ट करे, तो आप इसमें डाल दीजिए 1 कप जितना दूध। और दूध डालना बिल्कुल आपकी चॉइस पे डिपेंड है, पर डाल देंगे ना बहुत ही गजब टेस्ट आएगा। और दूध डालने के बाद में हम इसे और अब 10 मिनट पकाएंगे। तो फ्लेम को कर दीजिए एकदम स्लो, जितना भी आपका गैस का फ्लेम स्लो हो सकता हो उतना स्लो कर दें और इसे कवर करके 10 मिनट तक चुपचाप पकने दें। और 10 से 15 मिनट में जब आप देखेंगे ना आपके पूरे घर में उड़द राजमा की बढ़िया खुशबू हो रही होगी। तो चलिए ये 10 मिनट के करीब पक चुका है और आप देख सकते हैं कि टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है, कलर बहुत शानदार है और खुशबू की मैं तो आपसे क्या कहूँ, जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो बस अच्छे से मिक्स कर लिया और अब बारी है इसमें 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला डालने की, 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी भुनी हुई कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून जितना काला नमक। काला नमक स्किप ना करें, उड़द के साथ काले नमक का बढ़िया टेस्ट आता है। और ये गया खूब सारा हरा धनिया और ये लीजिए एकदम आसान तरीके से और बहुत ही टेस्टी एकदम ढाबा स्टाइल हमारी दाल बुखारा कह लीजिए, मखनी उड़द कह लीजिए, माँ की दाल कह लीजिए बनकर तैयार है। और प्रॉपर टेस्ट के लिए
हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जितनी फ्रेश मलाई, और मलाई डालने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस अब कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ। दाल एकदम परफेक्ट पककर तैयार हो चुकी है, तो बस थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देते हैं। और अब बनाते हैं प्रेशर कुकर में अपनी ज़बरदस्त नान। तो उसके लिए अब ये आटा देख लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि आटे का जो कलर है बहुत चेंज हो चुका है, ऊपर से काफ़ी वाइट वाइट सा दिख रहा है, यानी एकदम बढ़िया सा एक्टिव हमारा आटा लगकर तैयार हुआ है। और अभी काफ़ी चिपचिपा सा है, तो उसके बाद हाथों को चिकना कर लें और इस तरीके से आप इसे और 1 से 1.5 मिनट तक मसल लें। अगर आपने आटा अच्छा लगा लिया ना, तो आपकी नान ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो 3 से 4 मिनट की बात है, आटे को ज़रूर दें। और ये देखिए आटा एकदम बढ़िया सा तैयार हो रहा है। अच्छे से मुक्की लगाते जाएं, आटे को मसलते जाएं, और ये लीजिए आटा लगकर तैयार हो गया है। तो अब आई है इसमें से नान के लिए पेड़े बनाने की। तो बस इस तरीके से हाथ पे हल्का सा सूखा आटा लगा लें और गोल गोल पेड़े बनाते जाएं। और अब ये हाथ पे बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा, और इसे ढककर ही रखें, खुला ना छोड़ें। और इतने ही हम बनाएंगे इसके लिए बहुत ही क्विक सी एक स्टफिंग। तो ये मैंने ले लिया है 50 ग्राम जितना पनीर, और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मसाले वसाले नहीं डालने हैं, बस थोड़ा सा डालने नमक और थोड़ा सा डालने हरा धनिया। बस ये लीजिए बहुत ही क्विक और एकदम टेस्टी सी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। और इधर हमारे ये जो पेड़े रखे थे, इन्होंने भी बढ़िया आराम भी कर लिया है। तो बस एक एक पेड़ा लेते जाएँ, थोड़ा सा हाथ पे बड़ा कर लें, और बस इस तरीके से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग डालें, अच्छे से सिक्योर कर दें। स्टफिंग बहुत ज़्यादा ना डालें, बस कुल थोड़ी सी स्टफिंग डालें, क्योंकि हम इसे प्लेन नहीं खाने वाले हैं। उसके बाद इस तरीके से बेलन के साथ आप इसे बेल लें, लेकिन उससे पहले फिंगर के साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें, जिससे कोई एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा। इस तरीके से नान फ्रेंड्स अगर आपने एक बार बनाई ना, तो मेरी गारंटी है आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी कलौंजी ले लिया और थोड़ा सा लिया हरा धनिया, और बेलन के साथ एक बार और बेल लेंगे, जिससे दोनों चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो लीजिए हमारी नान बनकर तैयार है, बारी आई सेकने की। तो सेकने से पहले थोड़ी सी तैयारी और करेंगे। एक बाउल में थोड़ा सा नमक लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, और ये एक घोल बना के तैयार कर लिया है। और इधर हमारा ये देसी तंदूर अभी तैयार हो गया है। ये प्रेशर कुकर है, आपके पास जितना बड़ा प्रेशर कुकर है आप एक ही बार में उतनी ही ज़्यादा नान बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उल्टा करके इसे गर्म होने के लिए 4 से 5 मिनट मैंने रख दिया था, और ये परफेक्ट गर्म होकर तैयार हो गया है। और अब ये जो हमने पानी तैयार किया था, ये पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स नमक वाले पानी से आप नान बनाएं, एक तो स्टिक बहुत अच्छी होती है, और एक इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और बस ये जो गर्मा गर्म तंदूर है, इसे इस तरीके से करके हम एक एक नान सेट करते जाएंगे, और उसे उल्टा करके हम वापस से रख देंगे। इस तरीके से आप एक ही बार में 5-6 नान आराम से बना सकते हैं, यानी 2-3 जनों को भी आप नान खिलाना चाहते हैं तो एक ही बार में आप बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से सब तरफ मैंने नान चिपका दिया। और अब बारी है इसे उल्टा करके रखने की। तो रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मैंने ये जाली ले लिया है, जिससे इजीली हम अपना कुकर रख पाएँ। फ्रेंड्स एक बैच को सीखने में हार्डली आपको 2.5 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए 1 से 1 मिनट करीब हो चुका है, तो पलट कर देख लेते हैं। तो ये देखिए नान बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है, फूली तो बहुत अच्छी लेकिन अभी सिकी नहीं है। तो करीब 1 मिनट और हम ढक के इसी तरीके से रख देते हैं, और 1 से 1.25 मिनट और हो गया है। अब देखिए परफेक्ट नान सिककर तैयार हो गई है, कलर बहुत बढ़िया है, एकदम फूली फूली परफेक्ट हमारी नान दिख रही दे रही है। तो बस जब नान सिक जाए, तो थोड़ा सा प्रेशर कुकर को जो बाहर का हिस्सा होता है उधर साइड से भी थोड़ा थोड़ा इस तरीके से रखकर सेक लें। तो अब आप देख सकते हैं कि नान बहुत ही बढ़िया बनी है। तो बस आराम से छुटा लें, नमक के पानी की वजह से एक तो ये छूटेगी भी बहुत अच्छी, हल्का सा पीछे नमक का टेस्ट आएगा, उसकी वजह से कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो बस नान बनकर तैयार हो गई है। तो अब ये बटर लगा लेते हैं। तो हमारी बन गई ये स्टफ बटर नान। आप चाहें तो देसी घी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये रखने अपने परफेक्ट मखनी उड़द, माँ की दाल या उड़द राजमा, आप कुछ भी ले लीजिए। और उसके बाद थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी फ्रेश मलाई के साथ में, इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
थोड़ा सा रखा बटर, हरा धनिया और ये रही अपनी बहुत ही ज़बरदस्त नान। फ्रेंड बेस्ट कॉम्बिनेशन है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए नान का रिज़ल्ट देख लेते हैं। काफ़ी फूली फूली दिखाई दे रही है और स्टफिंग देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि क्रंची कितनी है। ऊपरी लेयर काफ़ी क्रंची है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है, यानी कि कह सकते हैं एकदम परफेक्ट है। पर इस रेसिपी को इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। और उसके बाद फीडबैक में मुझे भी बताएं आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों एकदम मिनटों में बनी हुई ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।